दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमें डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। याद रखिएगा, जब हम वर्ब डिस्कस का प्रयोग करते हैं तो डिस्कस के बाद हमें अबाउट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वर्ब डिस्कस है, डिस्कस का अपने आप में ही अर्थ होता है किस चीज के बारे में बातें करना। तो इसका पूरा अर्थ होता है किसी के बारे में बातें करना। उदाहरण के लिए आप ऐसे कह सकते हैं, आई एम डिस्कसिंग द टॉपिक विद माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों से टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं, मतलब कि विचार विमर्श कर रहा हूं इसके बारे में। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक विद माई फ्रेंड्स, तो ये गलत होगा। बट अगर आप डिस्कस, जो कि एक वर्ब है, अगर आप उसकी नाउन फॉर्म का यूज करते हैं और इसकी नाउन फॉर्म होती है डिस्कशन, तो डिस्कशन के साथ आप अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं, वो सही है। देयर वॉज अ डिस्कशन अबाउट कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस के बारे में एक डिस्कशन था, अब ये बोलना सही होगा। तो डिस्कशन के साथ अबाउट बोलना सही होता है, बट डिस्कस के साथ हमें अबाउट नहीं बोलना चाहिए।